तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन, तो देखिए ये क्वेश्चन ही नहीं है, आपको इतना ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है आपके फाइनल एग्जाम में आपके स्कोरिंग को गेन करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे ये कैसे हेल्प कर सकते हैं, देखिए नेचुरल सी बात है कि चाहे आपका बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, ठीक, आपको ट्रेड पर, व्यापार पर कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको दिखाई देता है। तो वहां पर आप इस टॉपिक को भी अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। देखिए संतुलन से हमारा मतलब आपको सामने दिखाई दे रहा है कि बैलेंस। ठीक, अब बैलेंस करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने कौन सी दो चीजें देखनी है, आयात और निर्यात। ठीक, तो आयात और निर्यात के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी हम बात कर लेते हैं। आयात किसे कहते हैं, जब हम विदेशों से कोई वस्तु खरीदते हैं। निर्यात किसे कहते हैं, जब अपने देश से किसी अन्य देश को कोई वस्तु बेचते हैं। ठीक, तो यहाँ पे व्यापार संतुलन, अगर हम बात कर रहे हैं व्यापार संतुलन की, कैसे आप अपने मार्क्स को, स्कोर को अच्छा और बेटर कर सकते हो, तो यहाँ पे व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, ट्रेड बैलेंस एक्स माइनस एम। ठीक, एक्स क्या होता है, एम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर क्या होता है कि अगर ट्रेड बैलेंस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर तो देखिए क्या होता है, हर एक देश जो अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है वो किस पर सबसे ज्यादा आश्रित है, किस पर सबसे ज्यादा निर्भर है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर। ठीक, किस पर निर्भर है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो कैसे करता है, आयात और निर्यात के माध्यम से। ठीक, अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना हो तो वहां के अर्थशास्त्री सबसे पहले किस पर शोध करते हैं, व्यापार संतुलन पे। वो देखते हैं कि मार्केट की स्थिति अच्छी है या नहीं है। ठीक, अब उसके बाद यदि किसी देश में ग्रोथ भी देखना है, आर्थिक स्थिति के साथ ग्रोथ देखना है, कितना एस्टिमेट लगा सकते हैं, आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उपयोग होता है कि यदि किसी देश की आने वाले अगले 3-4 सालों की ग्रोथिंग देखनी है तो वो किसके द्वारा ही पता लगेगा, व्यापार संतुलन के रिकॉर्ड द्वारा, और इसके रिकॉर्ड किस पे लागू होंगे, आगमन प्रणाली तथा निगमन प्रणाली पे। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस एक्स माइनस एन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि यदि किसी देश में प्रतिकूल और अनुकूल ये दो प्रकार की स्थिति किस में उत्पन्न होती है, व्यापार संतुलन में। तो व्यापार संतुलन के अंतर्गत अगर हम बात करें प्रतिकूल स्थिति की, तो प्रतिकूल स्थिति में क्या होता है कि जब किसी देश द्वारा किसी अन्य देश से, ठीक, आयात की गई, क्या की गई, आयात की गई वस्तुओं का मूल्य निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि आयात का मूल्य अधिक होगा, निर्यात का मूल्य कम होगा, मतलब कि आपने अधिक खरीदा है और कम बेचा है, तो आपके देश की मुद्रा क्या है, दूसरे देश में चली गई। जब आपके देश की मुद्रा दूसरे देश में अधिक मात्रा में चली गई तो आपके पास मुद्रा की कमी होगी, जिसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, गरीबी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है उस देश के लिए, प्रतिकूल की अवस्था होती है, घाटे की अवस्था होती है। अब उसी देश में अनुकूल की स्थिति कब आती है, जब क्या होता है किसी देश द्वारा अन्य देश के साथ जब व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और उसमें निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, मतलब आपने अधिक सामान बेचा, और आयात की गई वस्तुओं का मूल्य कम होता है, मतलब आपने कम सामान खरीदा, अधिक बेचा है। जब आप अधिक मात्रा में दूसरे देश को बेचोगे तो उस देश की मुद्रा आपके देश में आ जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके देश में आपकी मुद्रा तो है ही है और दूसरे देश की भी मुद्रा आपके पास है, तो इससे क्या है, आपके पास दोगुनी मात्रा में मुद्रा होगी। तो अब वहां पर क्या है, दूसरा देश प्रतिकूल की अवस्था में है और आप अनुकूल की अवस्था में, आपका राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती दिखाई देगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार संतुलन में भी मजबूती दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, व्यापार संतुलन होता है, जहां पर क्या किया जाता है, निर्यात और आयात का बैलेंस देखा जाता है कि कहीं
आप कम क्या कर रहे हैं, सामानों को खरीद रहे हैं या अधिक बेच रहे हैं, या अधिक बेच रहे हैं और कम खरीद रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थिति किस पर इफेक्ट करती है, आपके व्यापार पर करती है। और उसके कारण क्या बिगड़ता है, आपका आर्थिक स्थिति, देश के अंदर की स्थिति में बदलाव आ जाता है, या तो वो नेगेटिव में होगा या तो वो पॉजिटिव में होगा। और ये नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे पता लगाया जाता है, व्यापार संतुलन द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्यापार संतुलन समझ आया होगा। थैंक यू।